हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूसेट एग्जामिनेशन में जो पेपर 1 है उस क्वेश्चन पेपर को, यानी कि इसमें किस किस एरिया से क्वेश्चन आए हैं ये हम देखेंगे। तो पहला पेपर हमारा जनरल स्टडीज़ का होता है, जबकि पेपर 2 एंड पेपर 3 हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट लाइफ साइंस का है तो पेपर 2 एंड 3 में सारे क्वेश्चन लाइफ साइंसेज से होंगे, जबकि जो पेपर 1 है कॉमन है, GSE से कहते हैं जनरल स्टडीज़। तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज से क्वेश्चन आए हैं, 60 क्वेश्चन हैं, 60 में से हमें 50 करने होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है ये वाला सेक्शन पेपर 1 वाला। तो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से है, 2nd क्वेश्चन भी हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से है, और क्वेश्चन नंबर 3 to 7 हमारा एक पैसेज दिया है और उसके बेस पर हमें आंसर देने होते हैं। जैसा कि बहुत सारे एग्जाम में आता है, एक पैसेज और उसके बेस पे आंसर हमें देने होते हैं। ये है क्वेश्चन, ये पैसेज है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे हमारा पैसेज से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन से है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कम्युनिकेशन से है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कम्युनिकेशन से है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कम्युनिकेशन से है, क्वेश्चन नंबर 13 रीजनिंग से है, 14 भी रीजनिंग, 15 भी रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा रीजनिंग से है, 17 भी रीजनिंग, 18 रीजनिंग, 19 रीजनिंग, रीजनिंग रीजनिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। 21 हमारा रीजनिंग से है, 22 में रीजनिंग है हमारा, 23 में भी रीजनिंग, 24 में भी रीजनिंग, 25 रीजनिंग, 26 रीजनिंग। उसके बाद एक टेबल दिया है, ये भी रीजनिंग में से ही ये क्वेश्चन है, इसमें हमें टेबल का एनालिसिस करके आंसर देने हैं, जैसा कि पैसेज में आंसर देने थे। क्वेश्चन नंबर 27 to 31 तो 27 से 31 हमें ये टेबल देख के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 30 and 31 जो कि आसान है काफ़ी। उसके बाद 32 क्वेश्चन हमारा साइंस से है, जनरल साइंस या फिर कम्युनिकेशन से ही हम इसे कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और 33 हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, यानी कि कंप्यूटर से। 34 भी हमारा कंप्यूटर से है, 35 हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से है क्वेश्चन। उसके बाद 36 भी हमारा कंप्यूटर से है, 37 भी हमारा कंप्यूटर से है क्वेश्चन, 38 हमारा एनवायरनमेंट से है, या हम कह सकते हैं लाइफ साइंस या बायोलॉजी से, इकोलॉजी से, 39 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, यानी कि GS का पार्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा पॉल्यूशन से है या एनवायरनमेंट से हम इसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भी हमारा एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा साइंस से है, जनरल साइंस से। क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा नोबल प्राइज़ के बारे में पूछा गया है, यानी कि GS का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से है, 46 भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से है, 48 भी हमारा एजुकेशन सिस्टम से है, 49 भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से है, क्वेश्चन नंबर 50 भी हमारा एजुकेशन सिस्टम प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है मिलके। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है, क्वेश्चन नंबर 52 भी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है, क्वेश्चन नंबर 53 हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से है, क्वेश्चन नंबर 54 भी हमारा टीचिंग से है, क्वेश्चन नंबर 55 हमारा टीचिंग से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 भी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि लेसन प्लान से है, बच्चों के लिए लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 भी हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है, क्वेश्चन नंबर 59 भी हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड है, एंड क्वेश्चन नंबर 60 भी हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज से क्वेश्चन हैं, जैसे कि रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उसके बाद कुछ बहुत कम क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स या जनरल साइंस से ही क्वेश्चन हैं। तो हमें यहाँ पे रीजनिंग करना होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, बेसिक बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होगा जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सब्जेक्ट वाला इससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो ये वाला जनरल है, सभी के लिए है, तो ये टफ़ नहीं है। यहाँ पे 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हैं 17 में, हालांकि अभी जब एग्ज़ाम होगा तो किस तरीके से आएंगे या पैटर्न क्या रहेगा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास देखने के लिए सिर्फ यही है 17 वाला पैटर्न। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे मैं लाइफ साइंसेज के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।